अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग त्योहार, अलग अलग वेशभूषा, उनके पूर्व पुरुष, उनका खान पान सब अलग लगता है, लेकिन सब में एक सूत्र कहीं चलता है और वो जो एक सूत्रता है वही भारत की एकात्मता का, एकत्व का प्रतीक है। तो वह एक सूत्रता भारत में आपको सबसे पहले उन्होंने प्रारंभ में जब कहा कि विराट नगरी, आपको याद होगा अज्ञातवास पांडवों का, वहां से प्रारंभ किया। मुझे, मैंने पिछली बार शायद किसी यही किसी कार्यक्रम में कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक भाषण देने के लिए गए थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का चयन कर रहे हैं ये बात कहने के लिए, इस बात को आप समझ सकते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जैसी छवि है उस छवि की दृष्टि से आप समझिए को भारत के पहले प्रधानमंत्री वहाँ बोलते हैं, और भाषण में वो मौलाना आजाद स्मृति व्याख्यान दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि भारत के संगीत, नाटक, कला, चित्रकला, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती महाभारत रामायण के बिना। वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बोल रहे हैं। तो आप सोचिए कि भारत के किसी भी क्षेत्र को जब आचरण पाल प्रस्तुत कर रहे थे तो वो भारतीय परंपरा से, इतिहास वहीं से ले रहे थे, और विराट नगरी के माध्यम से बैराट उसे कहा गया बाद में। हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो रागनियां लिखी गई हैं उसमें वो जो विराट का लड़का है, विराट का जो राजा है उसका लड़का है उत्तर, और उसकी जो गायों को जब कौरव भगा ले जाते हैं तो फिर ये होता है कि भाई इससे युद्ध करने के लिए कौन जाएगा, ये इनसे युद्ध करना आसान नहीं है, ये हस्तिनापुर के लोग हैं, कौरव लोग हैं, इनसे कैसे युद्ध किया जाए। तो कहता है कि ब्रह्मला है जो डांस सिखाता है, अर्जुन उस रूप में है, ये चला जाएगा। तो जो उनका कुमार, राजकुमार है, उसको लगता है कि क्या करेगा ये डांस सिखाने वाला व्यक्ति, क्या युद्ध की बात करेगा। तो उसको ले जाते हैं, चला जाता है मना के, चलो भी चले तो जाओ जंगल में, उन्होंने अपने हथियार एक पेड़ पे कहीं छिपा रखे, ऐसी कथा है उस कथा में से। तो कहता है देख भाई डरना नहीं, वो डरने लगता है कि मैं कहां इनसे लड़ूंगा। उत्तर कुमार कहता है, उत्तरा का भाई है, उत्तरा की शादी हुई थी आपको याद होगा बाद में, तो वो कहता है कि मैं इनसे लड़ूंगा, वो वापस भागने लगता है। तो कहता है देख तू चिंता नहीं कर, मैं लड़ लूंगा, मैं अर्जुन हूं। कहता अर्जुन कहां से आया भाई, कैसे मान लूं मैं। तो कहता अच्छा चल भाई अर्जुन, तू अब पहले बता अर्जुन के तो 12 नाम है वो बताओ। तो हमारे यहाँ बचपन से हमने अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाँव में रागनियां सुनी, सुन बेटा बैराट भूप के तो 12 नाम गिनाऊं, वो 12 नाम गिनाता है अर्जुन के 12 नाम। भाषा विज्ञान के लोग बैठे हुए हैं बताएंगे कि जो नाम है संस्कृत में, हिंदी की परंपरा में नाम का कोई विशिष्ट अर्थ होता है, उसका एक नाम है सव्यसाची। सव्यसाची का मतलब है कि वो बाएं हाथ से भी बच्चे अच्छा चढ़ा सकता है। उसका एक नाम है गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का अर्थ है कि वो नींद को जीत लिया है। उसका एक नाम है परंतप, इसका मतलब है शत्रुओं को कष्ट देने वाला। उसका एक नाम है धनंजय, उसका एक नाम है किरीटी, उसका एक नाम है पार्थ, उसका एक नाम है भारत। वो 12 अलग अलग नाम है वो गिनाता है। तो वो अब ये बात यहाँ भारत के बहुत सारे स्थानों में आप चले जाओ, वो कहते हैं महाभारत की ये वाली घटना हमारे यहाँ हुई थी। शेखावाटी में एक जगह है लोहागल उसे बोलते हैं, वो कहते हैं यहाँ इनके हथियार गल गए थे जब लौट के जा रहे थे। आप केदारनाथ जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे, केदारनाथ जाओगे, बद्रीनाथ से आगे गांव है माणा, अंतिम गांव है भारत का उस बॉर्डर पे, वो कहते हैं यहाँ आके पांडवों ने ये किया था। तो भारत के किसी भी इलाके में, मैंने जगदलपुर में बस्तर में सेवा की, वो कहते थे दंडकारण्य यहाँ है, यहाँ उनको पंचवटी बनाई थी। कुछ लोग कहते हैं पंचवटी दूसरे स्थान में बनी थी, वो कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ आज भी कहा जाता है। मेरे बताने का अर्थ यह है संपूर्ण भारत अपनी विरासत में एक है, अपनी कथा में एक है, अपने आख्यान में एक है, और वो जो आख्यान है वो कभी महाभारत के माध्यम से मिलता है, उनकी कथाओं के माध्यम से आता है, कभी रामायण की कथाओं के माध्यम से आता है, कभी राष्ट्रीय आंदोलन से आता है, कभी मुगल पीरियड में महाराणा प्रताप के माध्यम से आता है, कभी भामाशाह की दान की क्षमता के माध्यम से आता है, वो आपको संपूर्ण भारत में एक प्रकार मिलेगा। तो भारत को जोड़ने वाले जो तंतु हैं, और आज का समय बहुत महत्वपूर्ण है भारत को जोड़ने वाले तंतुओं के बारे में बात करने के लिए, और कम से कम विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, मैं एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपके साथ बैठा हूँ। आज के समय में हम दुर्भाग्य से हमारे बहुत सारे कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों की चर्चा खराब कामों के लिए हो रही है। आपके विश्वविद्यालय की चर्चा आदरणीय ब्रजकिशोर सिंह जी बैठे हैं, वो शहर के गणमान्य नागरिक हैं, 9 से अधिक दशक देख चुके हैं जीवन के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं वर्षों तक। वे इन जैसे वरिष्ठ लोग जब आपको बताते हैं कि विश्वविद्यालय की छवि, विश्वविद्यालय की छवि एक अच्छे विश्वविद्यालय के रूप में बन रही है, जब हमें जानकारी मिलती है कि आपके इस आसपास के
वातावरण में ये जा रहा है, सकारात्मक ऊर्जा जा रही है कि हम निरंतर कोई अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, अकादमिक कार्यक्रम कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के कार्यक्रम कर रहे हैं, भाषा की दृष्टि से लोगों को जोड़ने के कार्यक्रम कर रहे हैं और शिक्षकों के विद्यार्थियों के उन्नयन की दिशा में जितने प्रकार के भी प्रयास हो सकते हैं, प्रयत्न हो सकते हैं, वे कर रहे हैं। उसी दिशा में ऐसे कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होते रहें और आप सब लोग, मैं तो पिछली बार 20 तारीख को भी कहा था, आज भी यही कहता हूं, आप सब लोग इस काम में मेरी सहायता कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं और ये परंपरा निरंतर बनी रहे। मैं नहीं जानता अगला वाला तेलंगाना वाले कब करने वाले हैं। एनी टाइम रेडी सर, एनी टाइम रेडी, वो आप रफीकुल इस्लाम को बताओ, लेकिन ये परंपरा निरंतर बनी रहे। मुझे नहीं मालूम कि नेक्स्ट डेट में मैं आपके बीच में किसी कार्यक्रम में उपस्थित हो पाऊं नहीं हो पाऊं, बहुत बार मुझे बहुत सारी मीटिंग्स के लिए बाहर भी जाना होता है, लेकिन मैं प्रयत्न करता हूं जब भी ऐसे कार्यक्रम हो थोड़ा समय आपके साथ बिताऊं, शिक्षकों के साथ रहूं, विद्यार्थियों के साथ रहूं। और आपने मुझे ही अवसर दिया इस सबके लिए, आनंद जी, राजीव जी और रफीकुल इस्लाम, इन तीनों की टीम, आप सब शिक्षक मित्रों को यहाँ आने के लिए और इस कार्यक्रम में, और एक बार पुनः विकास को बहुत बहुत बधाई। एक ही बात कह सकता हूँ, शिक्षक प्राय अब 36 साल से शिक्षक हूँ, तो शिक्षक की आदत होती है विद्यार्थी की कॉपी देखते देखते बीच में गलतियां ढूंढ लेता है तो जरूर कहूंगा अगले बार जो भी अब बनाए प्रेजेंटेशन और थोड़ी मेहनत से बनाए, थोड़ा और मेहनत की जा सकती थी। थैंक यू।